कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर ये बताया गया है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, अगर आप यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो पूरा बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई आएगा, लेकिन अगर आप प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में लगाएं तो वहाँ पर आई नहीं आएगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलूँ इक्वेशन नंबर वन एंड टू लॉजिकली कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि बी डॉट डी एल की वैल्यू अगर यहाँ पर ये वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है तो बी डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्टली इतनी ही वैल्यू प्रोड्यूस करेगी, तो मैग्नीट्यूड बी डॉट डी एल का यहाँ पर और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर है, इसका मतलब ये लॉजिकली कंसिस्टेंट है, तो मैं यही प्रूव करने जा रहा हूँ। तो अगर मान लो ये एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ए है और चार्ज उसमें क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स में होता क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। एरिया को इधर ले गए तो ई इंटू एरिया क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हमने गॉस थ्योरम से वैसे भी किया हुआ है। अब बी डॉट डी एल का फॉर्मूला क्या था, बी डॉट डी एल का फॉर्मूला था म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी, लेकिन डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई करंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और नॉर्मल करंट एग्जैक्टली सेम है, इक्वेशन नंबर वन एंड टू एब्सोल्युटली सेम वैल्यू ही देंगी, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ।